लोग जो आए थे छात्र संघ वाले उसको कोतवाली थाना लेके गए हैं अभी हम लोग। ये लोग अपनी आवाज़ ये जो अपना लोग का जो मांग को लेके आज बंदी बुलाए थे उसी को लेके जिला स्कूल मैदान में जमा हो रहे थे, उसको हम लोग डिटेन कर लिए अभी। पीछे बटन पर अरे ठीक से बटन पूरा झारखंड चक्का जाम है, सब चीज बंद है। अरे देने दे लीजिए, ये राष्ट्रीय नेतृत्व में तो पूरा डिटेन कर लिया गया है कोतवाली थाना द्वारा। बैठेंगे भैया साहब, तस्वीर चुकी लंबे समय से हम 60-40 के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तमाम लोग आपको पूरी तरह जाम हो गया, धुआं धुआं हो गया, क्या करना चाहिए? अरे कहाँ धुआं हुआ है, सब अपने ही लोग हैं। हाँ। अब बातचीत कर रहे हैं, हो जाएगा, सुन रहे हैं, तब ना होगा तो डिटेन कर रहे हैं क्या? डिटेन कर रहे हैं क्या सर? साहब जाएंगे सर, डिटेन देखिए, जो भी छात्र आए हैं ये छात्र कोई किसी को नहीं बुलाया है, ये छात्र शोषित छात्र है, पीड़ित छात्र है, और अपने अंदर जो दुख है, तकलीफ है, दर्द है, पीड़ा है, उसके लिए स्वेच्छा से आए हैं। सरकार हमारी मांग मान जाए, हम लोग इस आंदोलन बिल्कुल बंद कर देंगे। हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल प्रशासन अभी तक कोऑपरेट में है और साथ में इसलिए कोऑपरेट की छात्र, क्योंकि कल ये लोग भी छात्र थे और चूँकि 6 महीने से सड़क पे हैं छात्र, और सरकार से हम लोग का एक वार्ता नहीं हुई है, और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं, इसीलिए बंदी कराने तरफ से भी संवैधानिक तरीके से हो रहा है और प्रशासन तरफ से भी जो है कि हम लोग का जो एक संवैधानिक तरीके से पूर्व घोषित कार्यक्रम है 31 दिनों से ढोल नगाड़ा गाजा बाजा सकुआ पत्ता घुमा के हम लोग सभी को निवेदन किए हैं, इसीलिए पब्लिक भी वैसा नहीं निकल रहे हैं जिसका जो मैंने ऐसे घूमने फिरने के लिए जिसका बहुत इमरजेंसी है वही निकले हैं, चूँकि ये 1-2 दिन का बुलाया हुआ बंदी नहीं है, 31 दिन पहले का बुलाया हुआ बंदी है, और जो बहुत इमरजेंसी है उसको हम लोग छोड़ रहे हैं। हम लोग हाथ जोड़ के गुलाब फूल दे के सकुआ पत्ता दे करके हम लोग मांग आंदोलन को सफल करने के लिए सहयोग कर रहे हैं, और सहयोग करने के लिए तमाम बस एसोसिएशन, ट्रक एसोसिएशन, ऑटो चालक एसोसिएशन, बाजार समिति, दुकानदार संघ, सभी कोई को कोटि कोटि धन्यवाद। हम लोग एक छात्र है, क्या कोई हम लोग किसी को बाहुबली करके हम लोग डरा धमका के बंद नहीं करा सकते हैं, लेकिन पुलिस जो है कि हमें बंद करने से भले मना कर सकती है, लेकिन दुकानदार को बंद करने से पुलिस नहीं मना रख सकती है, और ये स्वेच्छा का बंदी है, और अभी तक का झारखंड का इतिहास में लगातार 2 दिन पहली बार बंद हुआ है, और ये 4 साल का सरकार का इतिहास में पहली बार समन्वय समिति का बैठक हुआ, आदरणीय गुरुजी का नेतृत्व पे उसके अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का खुट्टी का कार्यक्रम स्थगित हुआ है, तो पूरे झारखंड के 5 प्रमंडल बंद है। अब सरकार तय करे कि जो छात्र
झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के केंद्रीय कमेटी को मिली आंकड़ा के अनुसार कल 387 जगह बंदी के लिए धरने पर सड़क पर लोग उतरे, जिसमें छात्र के साथ उसके अभिभावक किसान मजदूर भी थे, और आज उससे भी और मैंने कम से कम आज 450 से प्लस अभी तक हैं। अभी जस्ट हम आ रहे हैं रांची जिला का ही बुंडू स्थित टोल प्लाजा गेट है, जो NH-33 रांची का झारखंड का लाइफ लाइन रोड है। उस पे कम से कम 40 किलोमीटर तक दोनों साइड पूरा गाड़ी जाम, सड़क पर पूरा एकदम धुआं 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 धुआं। आह्वान पे लोग स्वेच्छा से बंदी कराने उतर रहे हैं और लोग से भी सपोर्ट मिल रहा है। अब हेमंत सोरेन जी को तय करना है कि हम लोग को कितना दिन तक सड़क पे देखना चाहती हैं, क्योंकि हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। आप देख सकते हैं हम अपना कमर पे कफन बांध के निकले हैं, कहे कि सर को घर पे छोड़ के निकले हैं, और 40 चल तो अगर तो ये राज्य का गठन क्यों होगा, क्यों हुआ है, हम बार बार कर रहे हैं। और हम लोग पूरे झारखंड इतना इसीलिए कर रहे हैं जी जान लगा के, हर रिस्क लेकर के, क्योंकि कल का भविष्य अच्छा हो, जिस उद्देश्य से राज्य का गठन हुआ है वो उद्देश्य हो, पूरा हो, उस उद्देश्य का झारखंड बने। इसीलिए जो हम लोग का बंदी का पहला दिन दूसरा दिन बहुत ऐतिहासिक सफल रहा, कई जगह पुलिस प्रशासन से बहुत सहयोग भी मिला, वैसे प्रशासन को धन्यवाद देते हैं। कई जगह पुलिस प्रशासन बहुत टॉर्चर भी किया, परेशान भी किया, लाठी चार्ज किया, डराया, धमकाया, लेकिन इस बार पुलिस का ताकत जो झारखंड के बुजुर्ग आदिवासी मूलवासी का आशीर्वाद के सामने, नौजवान के ताकत के सामने पुलिस का ताकत कमजोर पड़ गया। 42 सत्ता पक्ष के विधायक समेत 72 विधायक ने लिख दिया है, और इसको लेकर के जो दस्तावेज हम लोग के पास आया है, आज मुहिम जो 10 मई से 11 जून 31 दिवसीय मुहिम का आज अंतिम दिन है, चौथा चरण का। इसके बाद हम लोग ऑफिशियली, पहले तो हम लोग महामहिम माननीय स्पीकर महोदय के समक्ष जो बहुमत प्राप्त हुआ है उस बहुमत को सिद्ध करेंगे, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को सौंपेंगे, महामहिम राज्यपाल महोदय जी को सौंपेंगे, और जरूरत पड़े तो महामहिम राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे। और वह जो दस्तावेज है वह महज कागज का टुकड़ा नहीं, इस झारखंड का आत्मा है, दिल का धड़कन है, और निश्चित ही जो ऐतिहासिक झारखंड बनने के बाद इस 23 साल का झारखंड में लगातार 2 दिन बंदी आज तक नहीं हुआ था, 31 दिवसीय प्रोग्राम पूरे भारतवर्ष में आज तक नहीं हुआ था। लिखित रूप से जो हम लोग लिए ऐसा नहीं होता, यह भारत का आंदोलन का इतिहास का नया अध्याय है, और मात्र एक आह्वान पे जिस चट्टानी तक सभी समाज के लोग, मैंने पूरे आदिवासी मूलवासी सामान्य वर्ग पिछड़ा वर्ग सभी समाज के लोग एकता का परिचय दे रहे हैं, तो निश्चित ही आने वाले दिनों पे हम लोग बड़ा निर्णय लेंगे, लेकिन इतना लंबा लड़ाई लड़के छोड़ेंगे नहीं। अगर हम हेमंत सोरेन जी हमारी मांग पर विचार नहीं करेंगे तो हम लोग उसको मजबूरन करेंगे। पीछे बैठो, अरे ठीक से बैठो, ऐतिहासिक पूरा झारखंड चक्का जाम है, बंद है, मुख्यमंत्री महोदय तय करें झारखंडी छात्र को कितना दिन हम सड़क पर देखना चाहते हैं। सभी लोग जो आए थे छात्र संघ वाले, उसको कोतवाली थाना लेके गए हैं अभी हम लोग। ये जो अपना उन लोग का जो मांग को लेके आज बंदी बुलाए थे उसी को लेके जिला स्कूल मैदान में जमा हो रहे थे, उसको हम लोग डिटेन कर लिए अभी कोतवाली थाना। अभ्यर्थियों को डिटेन किया? ज्यादा नहीं है, ये लगता है 5-10 लोग हैं। अच्छा, 15 लोगों को जो नोटिस जारी किया गया था, क्या 15 लोगों को डिटेन कर लिया गया है अब तक? नहीं, वो डिटेल तो पूरा नहीं है, अभी यहाँ से जो लेके गया है 5-10 लोग।